क्या, ये मेरा कबीला है, ये मेरे लिए और मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ। अच्छा, आपके लिए तो पहले से वहाँ पे जाल बिछाए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, कोई हमारे आगे ठहरी की ही नहीं, सैलाब होगा और खसो खशाक की तरह बहा ले जाएंगे। तो आज आपने अपने मुखालिफिन को एक तगड़ा पैगाम दे दिया, बहुत बड़ा पैगाम आपने दे दिया। मुखालिफिन तबले पे बैठ के तबला बजा, यहाँ पर तो अवाम ही अवाम है, ट्रैफिक ब्लॉक है, चौक ब्लॉक हो चुके हैं, गलियों में हर तरफ खान साहब की कॉल पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रैली की में हजारों की तादाद में गाड़ियां थी और आज आपने देखा कि जो जमे गफीर था, और अभी आप देख सकते हैं ये लोग आए थे खान के लिए और खान के साथियों में यकजहती के लिए। अल्लाह करे ये फैसला की तौफीक हो जाए, जिस दिन फैसला होगा हम पंजाब में होंगे। आपको लगता है कि पंजाब में आपको इस तरह से बड़ा क्राउड जमा करने दिया जाएगा? ये क्राउड मेरे साथ जाएगा। अच्छा, यहाँ से लकी मरवत से इतना बड़ा क्राउड लेकर आप पंजाब के लिए लेकर इंशाल्लाह पंजाब ले जाऊंगा। मरवत साहब, आपने कहा कि इस आवाम को आप लेकर पंजाब में दाखिल हो सकते हैं? जी हाँ, ये मेरा कबीला है, ये मेरे लिए और मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ। अच्छा, आपके लिए तो पहले से वहाँ पे जाल बिछाए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, दोबारा से गिरफ्तारी हुई तो क्या होगा? गिरफ्तारियाँ तो छोड़े, ये सारे हम लेवन्ने हैं, इसको कोई गिरफ्तार हमें नहीं कर सकती है, कोई हमारे आगे ठहरी की ही नहीं, सैलाब होगा और खसो खशाक की तरह बहा ले जाएंगे। तो कब से आप ये तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? मैंने कहा है, बार बार कहा है कि जब खान साहब फैसला करेगा हम लब्बे कहेंगे। मरवत साहब, आज आपने अपने मुखालिफिन को एक तगड़ा पैगाम दे दिया, बहुत बड़ा पैगाम आपने दे दिया। मुखालिफिन तबले पे बैठ के तबला बजा। आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त हम योम यकजहती इमरान खान के तौर पे मना रहे हैं। आज हमने बहुत बड़ी तारीखी रैली निकाली है खान के साथ यकजहती के इजहार के तौर पे। फिर यहाँ अभी थोड़ी देर कबल हमने जलसे का इनेकाद किया और बेसिकली उस जलसे को मैंने जलसी का नाम दिया क्योंकि ये हमारी जलसी है, जलसा हमारा कल है। तो मैंने आज कहा भी कि मियाँ साहिबान एक इतनी जलसी करके आप दिखा दें पूरे पाकिस्तान में, पंजाब आप वजीर आला कमन साहब आपके पास है, इतने लोग इकट्ठे कर दें। और ये जो लोग आज आए हैं इनको सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए दावत दी है, बाकी ये लोग पहुंचे हैं न किसी को पेट्रोल दिया है न किसी को, मेरा इतना खर्चा हुआ है कि इस्लामाबाद से यहाँ अपने इलाके तक पहुँचने का, बाकी एक रुपया हराम हो के हमने इस जलसे के इनेकाद में सर्फ किया हो या खर्च किया हो। मरवा साहब, आपने आज के जलसे को अपने ही जलसे को जलसी कहा, लेकिन हमने जो मनाजिर इस वक्त देखे तकरीबन 1.5 घंटा में पहुंचने में लगा, अवाम ही अवाम थी यहाँ पर, कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद थी, तो फिर अगर आज का जलसा जलसी थी, कल का जलसा कैसा जलसा होगा? फिर जलसा कल होगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा कि जलसा ऐसा होता है। और कल के जलसे में मैं अपने कौम को एतमाद मिलूंगा जो पेशरफ्त हैं पार्टी के हवाले से, और फिर जो पार्टी ने डिमांड किया है और खान साहब ने फिर रिव्यू का भी कहा है, इन तमाम चीज़ों को मैं कौम के सामने रखूंगा, अपने कबीले के सामने, अपने वोटर्स के सामने, और मैं उनसे इख्तियार लूंगा कि कोशिश करूंगा वो मुझे इख्तियार दें कि खान का जो फैसला आ जाए मैं मनोअन उस पर अमल कर सकूं। अगर खान साहब अपने साथ रखते हैं तो खुश आमदीद, अगर खान साहब पार्टी की वो जो एक एलामिया आया था जो फर्जी था उसी को एंडोर्स करते हैं और कहते हैं कि रिज़ाइन कर दें, तो ये जो आवाम है, आज मैंने इनको बताया कि ये हो ही नहीं सकता है कि कोई ये कहे आपको ताना दें कि भाई आपका मेंबर या आपका उम्मीदवार या आपका नुमाइंदा जो था वो अपनी बात से फिर गया या अपने लीडर का कहा नहीं माना। इंशाल्लाह मैंने कहा कि ऐसी सीटों को हम जूती की नोक पे रखते हैं, मुझे ऐसी सीट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवाम जो हैं कबीले के लोग हैं इनको इंशाल्लाह मैं कल एतमाद में लूँगा और आप मौजूद होंगे, आप देखेंगे कि क्या वहाँ पे समा बनता है। अभी तक जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं क्या रद्दअमल है जो नोटिफिकेशन आया आपके हवाले से? नोटिफिकेशन के हवाले से तो सब ये जो आए हैं इस प्रोग्राम में और कल के प्रोग्राम में मैंने जो है पार्टी का कोई फोरम यूज़ नहीं किया है, मैंने एक्सक्लूसिवली दावत दी है उन तमाम लोगों को जिनके मेरे साथ हमदर्दी है, और
मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर इस जलसे में या कल के जलसे में होंगे जो खान मुझे खान के साथ देखना चाहते हैं। और रद्दमल ये हैं कि ये जो अवाम है ये चूंकि हमारा एक कोड ऑफ एथिक्स है, उस कोड ऑफ एथिक्स पे मैं भी अमल पे रहूंगा, वो भी होंगे। और यही चीजें मैंने उनके सामने रखनी है ताकि मैं उनको बता सकूं कि जिसको आपने चुन के भेजा है उसका कोई कसूर नहीं है, और जो हो रहा है या हुआ है उसके पीछे जो है क्या मुहरिकात हैं। तो बहरहाल अपना मुकदमा जो है अपने लोगों के सामने रखूंगा, इस गरज के लिए नहीं कि कोई मुझ पे तरस कहे, इस गरज से जरूर कि इनको मैं बता सकूं कि अगर मैं सीट छोड़ना चाहूं खान के हुक्म पे तो ये मुझे ये न कहें कि आपने हमें आगाह नहीं किया, हमें एतमाद में नहीं दिया। लेकिन मरवत साहब, अवामी मुकदमे की अगर बात की जाए तो अवाम का ठाटे माता हुआ समंदर इस वक्त हम देख रहे हैं, ये तो आपके लिए यहाँ पर पहुंचा है, आपकी आवाज अवाम इमरान खान तक और आला क्यादत तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी मैंने आज के और कल के जलसे में पीटीआई की किसी मैंने एमपीए को दावत नहीं दी है, हत्या कि अपने हल्के के एमपीएस को मैंने दावत नहीं दी है। मैं नहीं चाहता था कि कोई जो है वो, या पार्टी की तंजीमों को भी मैंने दावत नहीं दी है, सिर्फ मैंने उन वर्कर्स को पैगाम दिया है। और आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा कि 24-25 को आप खान साहब से मिल भी रहे हैं, तो उस हवाले से क्या मुलाकात तय होगी आपकी? जी मैं मिल रहा हूँ खान साहब से। तो ये तो बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी अगर आपको खान साहब, क्योंकि आपने कहा था कि मिलने नहीं दिया जाता आपको। नहीं मैंने कभी नहीं कहा है, मैंने ये मैं कभी ये ही नहीं हूँ। जब एक दफा खान ने इनकार किया इसके बाद मैं आज तक नहीं किया हूँ, ये नहीं है कि कोई मुझे, अलबत्ता जब जाऊँगा इंशाल्लाह मिलूँगा और बात करूँगा तफसील से खान साहब के साथ, और ये 25 से 20 को मेरी मुलाकात हो जाएगी। गाड़ी किधर है? गाड़ी को पीछे गाड़ी है। वापसी में जो सारा